नमः शिवाय। यमुना पार की दो ग्वालन और ज्ञानी पंडित जी। दोस्तों, यदि भगवान पर विश्वास है, पूरी श्रद्धा है, तो इस संसार में कोई कठिन से भी कठिन काम आपके लिए मुश्किल नहीं है। भगवान की कृपा से बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है और लंगड़ा बड़े बड़े पर्वत को पार कर जाता है। भगवान के भक्त के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आज की कहानी भक्त और भगवान की है। भक्ति की एक ऐसी मिसाल पेश करने वाली कहानी है। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ में बने रहना, क्योंकि यह कहानी आपके मन को भा जाएगी और आपके दिल को स्पर्श कर जाएगी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, यमुना जी के उस पार किसी गाँव में दो ग्वालन स्त्रियां रहती थी। एक का नाम था माधुरी और दूसरी का नाम था शांति। यह दोनों स्त्रियां नाव में बैठ करके यमुना जी को पार करती और वृंदावन में आकर के दूध बेचा करती थी। ऐसे ही ये दोनों ग्वालन स्त्रियां पूरे वृंदावन में घूम घूम करके दूध बेचा करती थी, और जब सुबह से शाम तक इनका सारा दूध बिक जाया करता था, तो माधुरी और शांति अपने घर से जो भोजन लेकर के आती थी, मक्खन और रोटी, उसको यमुना जी के किनारे पर लगे हुए एक पेड़ की छांव में बैठ करके खाती और आराम करती। इसके बाद वे नाव में बैठ करके यमुना जी के पार अपने गांव में पहुंच जाती। दोस्तों, यह दोनों ग्वालन स्त्रियां माधुरी और शांति थी तो वृंदावन के यमुना पार की, पर भगवान कृष्ण को यह जानती तक नहीं थी। इनको यह भी नहीं पता था कि भगवान कृष्ण कौन है और उनकी भक्ति क्या होती है। यह दोनों ग्वालन स्त्रियां केवल दूध बेच करके अपने जीवन का गुजारा करती और अपने परिवार और अपना पेट पालती थी, यही इनका काम था। एक दिन की बात है, यह दोनों स्त्रियां माधुरी और शांति दूध बेचने के लिए वृंदावन आई। आज इनका दूध जल्दी ही बिक चुका था। माधुरी ने शांति से कहा कि अरे बहन, आज हम दोनों जितना दूध लेकर के आई थी वह तो बड़ी जल्दी बिक गया। शांति ने कहा, हाँ बहन माधुरी, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, आज जो भी दूध हमारे पास था वह सब बिक चुका है। अब हमें क्या करना चाहिए, इतनी जल्दी घर जा करके हम क्या करेंगे। माधुरी ने कहा कि बहन शांति, वह देखो सामने एक मंदिर है, वहां पर बहुत सुंदर कथा चल रही है, जब तक शाम नहीं हो जाती तब तक हम दोनों चल करके वहीं पर कथा को श्रवण करते हैं। शांति ने कहा कि बहन, यह कथा क्या होती है। माधुरी कहने लगी कि मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर लोग कहते हैं कि कथा होती है, चलो वहीं पर चल करके देखते हैं कि कथा क्या होती है। यह दोनों ग्वालन स्त्रियां वहां मंदिर में जहां पर कथा चल रही थी वहां पर पहुंच जाती हैं और भक्तों के बीच में बैठ करके कथा का श्रवण करने लगती हैं। कथा में प्रेम से गुरुजी भगवान की चर्चा कर रहे थे। गुरुजी कह रहे थे कि जिसे भगवान के चरणों में प्रेम नहीं उसका जीवन व्यर्थ है, जिसने भगवान की भक्ति नहीं की उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। यह शरीर, ये रूप केवल हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए ही मिला है। इस संसार में जो भी लोग हैं वह सब दूसरे कामों में लगे हुए हैं, वह यह भूल चुके हैं कि यह जीवन हमें क्यों मिला है, हमारा यह आने का उद्देश्य क्या है। गुरु जी ने जब इस तरह से समझाया तो माधुरी और शांति सुनकर के बहुत प्रभावित हुई। फिर वे दोनों नदी के किनारे जाकर के कहती हैं कि बहन देखो, गुरु जी ने आज क्या कहा है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो यह जीवन बेकार है। फिर दूसरी ग्वालन कहती है कि तो बहन, क्या हमारा जीवन बेकार चला जाएगा। फिर वह बोलती है कि हाँ बहन, लगता तो ऐसा ही है। फिर पहली बोलने लगती है कि तू बता, कभी तुमने श्री कृष्ण को देखा है। फिर दूसरी बहन कहती है कि अरे बहन, मैं तो तेरे साथ ही रहती हूँ, भला मैंने कब भगवान को देखा है। दूसरी ग्वालन पूछती है, तो भगवान यह बताओ कि भगवान कहाँ मिलेंगे। और वे दोनों आपस में इस तरह से चर्चा कर रही होती हैं कि इतने में ही एक संत वहां से निकल, वे दोनों स्त्रियां उस संत को देखती हैं और कहने लगती हैं कि बहन मुझे लगता है कि भगवान इन्हीं संत के पास होने चाहिए, चलो इनके पास चल करके भगवान को लेकर के आते हैं। वह साधु अपना झोला और सामान यमुना जी के किनारे रख करके स्नान करने के लिए वहां से निकल पड़े। वे दोनों स्त्रियां यमुना के किनारे गई और चुपके से साधु का झोला उठा करके वहां से आने लगी। दोनों ने साधु के झोले में जब देखा तो उन्हें एक डिब्बा मिला। उन्होंने जैसे ही उस डिब्बे को खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे हुए थे। लड्डू गोपाल को देख करके वे दोनों रोने लगी।
एक दूसरे से कहने लगी कि अरे बहन तू रो क्यों रही है, मिल तो गए भगवान। फिर कहती है कि हे भगवान, आपको बाबा जी ने इतने छोटे से डिब्बे में बंद करके रखा है। अरे देखो तो सही, भगवान का पांव टेढ़ा हो गया है। मुझे तो लगता है कि यह बाबा भगवान को डराता धमकाता है। प्रभु अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, वह स्नान करने जा रहा है, आप थोड़ी देर के लिए अपना पांव सीधा कर लो। एक ग्वालन से कहती है कि भगवान तो अपना पांव सीधा ही नहीं कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि डब्बे में बंद रहने के कारण इनका पांव अकड़ गया है। न जाने इस बाबा ने भगवान को इस डिब्बे में कब से बंद करके रखा हुआ है। चलो भगवान, अब हम तुम्हारा पांव सीधा कर देते हैं। इसके बाद वह ग्वालन अपने भोजन सी पोटली में से मक्खन को निकाला और उस मक्खन को लड्डू गोपाल की जो मूर्ति थी उस पर मालिश करने लगी। भगवान ने जब उन दोनों को इतने प्रेम से देखा तो जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके सरल और सहज स्वभाव को देख करके वे भगवान उन पर रीझ गए और अपने भक्त के प्रेम के लिए भगवान ने अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। फिर एक ग्वालन कहने लगी कि देखो भगवान ने अपने हाथ पांव तो सीधे कर लिए। फिर दूसरी कहती है कि हाँ बहन, यह बहुत भूखे भी हो सकते हैं, पता नहीं इस बाबा ने इन्हें खाना खिलाया भी है कि नहीं, चलो हम इन्हें खाना खिलाते हैं। इस तरह से वे दोनों ग्वालन भोजन के लिए अपनी लाई हुई सामग्री जो रोटी और मक्खन था उसको भोग भगवान को लगाने लगी। इतने में ही साधु बाबा स्नान करके वहां पर पहुंच गए। साधु को देख करके वे दोनों ग्वालन वहां से भागने लगी और दोनों कुछ दूर जाकर के रुक कर कहने लगी कि अरे बाबा, भगवान को इतना डराया धमकाया मत करो, तुमने भगवान को डरा धमका करके रखा था ना, बेचारे वह अपना टेढ़ा पांव करके डब्बे में बैठे थे, हमने उनका जो पांव टेढ़ा था उसको सीधा कर दिया है, अब उनका पांव टेढ़ा मत करना। जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर जो थे वे सब सीधे हो गए थे। यह चमत्कार देख करके वे जो साधु थे उन दोनों स्त्रियों को रोकने के लिए उनके पीछे पीछे भागने लगे और बोले अरे रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। पर वह दोनों रुकी नहीं, उनको लगा कि यह जो बाबा है उन्हें पकड़ करके यह मारेगा। अगले दिन फिर से वे दोनों ग्वालन स्त्रियां दूध बेचने के लिए वृंदावन आई और आज भी उन दोनों के जो दूध था वह जल्दी बिक चुका था और आज फिर से वे मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई। उस दिन भी जो वहां पर कथा चल रही थी उसमें जो गुरु जी थे कथा कह रहे थे वे भगवान के नाम की महिमा की चर्चा कर रहे थे। गुरु जी कह रहे थे कि भक्तों, यदि आप राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे, इसलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए, यही नाम हमें भव सागर से पार करवा सकता है। आज की कथा सुन करके दोनों आपस अपने घर के लिए जाने लगी। फिर एक ग्वालन दूसरी ग्वालन से कहती है कि तुमने सुना, आज गुरुजी ने कथा में कहा था कि जो भी व्यक्ति प्रेम से राधे श्याम जपेगा तो वह भव सागर को पार हो जाएगा। तो बहन, राधे श्याम नाम लेने से यदि कोई भी व्यक्ति भव सागर को पार कर सकता है तो यह यमुना जी तो हम बड़ी आसानी से पार कर सकते हैं। एक ग्वालन कहती है कि हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, अब हम दोनों रोज इस पार से उस पार आते जाते हैं और इसी में हमारा एक रुपया नित्य खर्च हो जाता है जो हमें नाव का किराया देना पड़ता है। अब हम भी राधे श्याम का जाप करेंगे और बिना पैसे खर्च किए यमुना जी के पार उधर चले जाएंगे। वे दोनों बहनों ने गुरु के वचनों पर विश्वास करके राधे श्याम नाम जपने लगी और यमुना जी की ओर बढ़ने लगी। वह दोनों राधे श्याम जपते हुए सच में पानी के ऊपर चलने लगी। इस तरह से वे दोनों ग्वालन स्त्रियां राधे श्याम नाम का जाप करते हुए पानी के ऊपर चल करके यमुना को पार कर लिया। अब तो उन दोनों बहनों ने जो ग्वालन स्त्रियां थी वे भगवान कृष्ण के प्रति उनका विश्वास और प्रेम बढ़ गया। वह दोनों कृष्ण की भक्ति करने लगी। एक दिन एक ग्वालन ने दूसरी से कहा कि गुरु जी की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमको मिल गई है और गुरु जी के कहने पर हम नाम जपते हुए यमुना जी को पैदल पार कर रहे हैं, इससे हमारे बहुत से पैसे भी बच चुके हैं। बहन, हम क्यों ना गुरु जी को अपने घर को एक बार बुलाएं और उन्हें बुला करके हमको भोजन खिलाना चाहिए। दूसरी ग्वालन कहती है कि हाँ बहन, तुम ठीक कहते हो, हमें जा करके गुरु जी को लाना चाहिए और अपने यहाँ मैं जब तक जाती हूँ और भोजन बनाती हूँ।
इस तरह से पहली ग्वालन गुरुजी को लेने के लिए चली गई और दूसरी भोजन बनाने के लिए चली गई। पहली ग्वालन मंदिर में गई और गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी हम चाहते हैं कि आप अपने चरण कमल हमारी कुटिया में रखो, हम आपको भोजन करा करके कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। ग्वालन की बात को सुन करके उसकी बात को स्वीकार कर लिया और कहा कि ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कुटिया में चलने के लिए तैयार हूँ। वह जो ग्वालन थी वह गुरुजी को लेकर के मंदिर से आने लगी और गुरुजी को लेकर के यमुना के तट पर वह पहुंच जाती है। गुरुजी ने जब देखा कि यमुना के तट पर कोई नाव नहीं है या मुझे पार कैसे लेकर के जाएगी, तब गुरुजी ने उस ग्वालन से कहा कि बेटी तुम मुझे यमुना पार कैसे लेकर के जाओगी, यहाँ तो कोई नाव नहीं दिखाई दे रही है। फिर वह ग्वालन कहने लगी कि गुरुजी आपने ही तो हम सबसे कहा था कि सबसे बड़ी नौका आपने हमको प्रदान कर दी है। उस ग्वालन को लगा कि जैसे हम गुरुजी की शिष्या बन करके राधे श्याम नाम का जाप करके यमुना को पार कर लेते हैं, वैसे ही गुरुजी भी यमुना पार कर लेंगे। फिर वह ग्वालन राधे श्याम का नाम जपते हुए पानी के ऊपर चलने लगी। ग्वालन ने जब थोड़ी दूर जा करके पलट कर देखा तो गुरुजी वहीं किनारे खड़े हुए थे। फिर वह ग्वालन कहने लगी कि अरे गुरुजी आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, आओ। फिर गुरुजी को लगा कि इस तट पर यमुना का पानी बहुत कम है, यही विचार करके गुरुजी ने आगे बढ़ने के लिए जैसे ही अपने पैरों को यमुना के पानी में रखा और आगे बढ़ाया, वैसे ही गुरुजी कमर तक पानी में डूब गए। फिर गुरुजी कहने लगे अरे यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और यह पानी में कैसे चल रही है, अरे यह कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती, यह तो कोई चुड़ैल लगती है जो पानी पर चल रही है। गुरुजी को पानी में डूबा देख करके वह ग्वालन गुरुजी को लेने के लिए वापस आने लगती है। गुरुजी के पास पहुंच करके वह ग्वालन गुरुजी का हाथ पकड़ती है और वहां से गुरुजी को ले जाने लगती है। राधे श्याम नाम का जाप करती है और गुरुजी डर के मारे कहते हैं कि अरे मुझे छोड़, मुझे क्यों ले जा रही है, मुझे क्यों मारना चाहती है, मुझे छोड़। उस ग्वालन ने गुरुजी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, केवल वह नाम जपती रही, बस राधे श्याम का जाप करती रही। फिर गुरुजी कहते हैं कि हे भगवान, या तो मुझे बीच में ले जा करके लगता है कि मुझे मार डालेगी। ग्वालन गुरुजी को लेकर के यमुना के पार हो गई और उधर गुरुजी डर के मारे कांप रहे थे। फिर ग्वालन बोली कि गुरुजी आप क्या बात है, आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं। फिर गुरुजी बोले कि तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने कौन सा अपराध किया है, तुम चुड़ैल हो या भूतनी हो। इतना कह करके गुरुजी डर के मारे कांपने लगे। वह ग्वालन कहने लगी कि गुरुजी ना तो मैं कोई चुड़ैल हूं और ना कोई भूतनी हूं, मैं तो आपकी शिष्या। फिर गुरुजी कहते हैं कि हे भगवान, मैंने कब इन भूत चुड़ैलों को अपना शिष्य बनाया। फिर ग्वालन कहने लगी कि गुरुजी आपने ही तो हमें कथा में बताया था कि राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे, तो हमें लगा कि भवसागर को पार कर सकते हैं तो यमुना जी को भी पार कर सकते हैं। अब तो हम नित्य नाम का जप करते हुए यमुना के पार जाते हैं, अब हमें किसी नाव की किसी भी दिन जरूरत नहीं होती। ग्वालन की बातों को सुन करके गुरु जी हैरान हो गए और कहने लगे कि बेटी तुमने अपने गुरु के वचनों और भगवान पर इतना दृढ़ विश्वास रखा है और इसी के कारण तुमने यमुना के पानी पर चल करके यमुना पार कर ली है। बेटी तुम महान हो और महान है तुम्हारा भगवान के प्रति इतना प्रेम और विश्वास। दोस्तों, यह भगवान और भक्त के प्रेम की एक ऐसी कहानी है जो आपके हृदय को स्पर्श करती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।